नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे YouTube चैनल मेक मी साइंटिफिक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। फिजिक्स का बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें मैं एक ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करूंगा और हम ये इस सेटअप के द्वारा ये मेजर करेंगे कि कितना लिक्विड अपथ्रस्ट या फिर बोयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन है ग्रेड 9 और ग्रेड 11 के बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड मास लिया हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस, थोड़ा सा पानी बीकर में और स्टैंड। स्प्रिंग बैलेंस का जो यूज होता है वो वेट मेजर करने के लिए होता है। यह है हमारा 50 ग्राम्स का स्टैंडर्ड मास। इसको मैंने एक पतले लंबे धागे से बांध रखा है। यह है स्प्रिंग बैलेंस। इसकी मदद से हम एक ऑब्जेक्ट का वेट नाप सकते हैं और ये मैक्सिमम 100 ग्राम्स तक मेजर कर सकता है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 20 ग्राम्स है तो उसका वेट 20 ग्राम फोर्स होगा। तो आइए दोस्तों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस प्रकार से आपको स्प्रिंग बैलेंस को स्टैंड के साथ लगाना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर हुक है तो हुक से आपको उसको लटका देना है। अब मैंने जो 50 ग्राम का स्टैंडर्ड मास है उसको धागे की मदद से हुक से लटकाया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस पे। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट सेटअप हमारा रेडी है। आप ये नोट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 50 ग्राम दिखा रहा है, यानी कि उसका जो वेट होगा वो 50 ग्राम फोर्स होगा, 50 ग्राम फोर्स। आपको समझना चाहिए कि 50 ग्राम फोर्स में जो ग्राम फोर्स है वो वेट की एक यूनिट है, जो मैंने पहले ही स्लाइड में आगे दिखा रखी है। तो यहां पे मैं स्टैंड को धीरे से नीचे करके ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा मैं पानी में डुबा दूंगा। यहां पे हम कोई सा भी लिक्विड ले सकते हैं। अगर आपने लिक्विड चेंज किया तो जो अपथ्रस्ट और बोयंट फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। मैंने यहां पे पानी इसलिए लिया हुआ है क्योंकि पानी सब जगह आराम से मिल जाता है। तो यहां देखेंगे आप कि मैं स्टैंड को धीरे से नीचे ले जाके ऑब्जेक्ट को पूरा पानी में डुबो दूंगा। अब जैसे ही एक ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाता है तो पानी उस पे अपथ्रस्ट या बोयंट फोर्स ऊपर की दिशा में लगाना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट का जो हवा में वेट था वो घट जाएगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास की कोई भी साइड को टच नहीं करना चाहिए, नीचे भी नहीं टच होना चाहिए, एकदम बीच में रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो पानी में घट गया है और 43 ग्राम फोर्स जितना आ रहा है, क्योंकि अब ऊपर की दिशा में अपथ्रस्ट लगना शुरू हो गया है और वो अपथ्रस्ट के कारण ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है वो घट रहा है। अब हम आगे कैलकुलेशन देखेंगे और अपथ्रस्ट की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का खूब खूब धन्यवाद।